वेलकम दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। जैसे कि इस वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम NVCCN मेन कैरियर के बारे में बात करेंगे। इसमें हम तीन टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे जिनसे आपके दिमाग में चल रही कन्फ्यूज़न और जो डाउट हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कोशिश करेंगे कि वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हाट इज़ द मेन लाइन कैरियर एंड NVCC, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेन लाइन कैरियर एंड NVCC एंड व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर यू मेनलाइन कैरियर और NVCC। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज NVCC एंड मेनलाइन कैरियर। मेनलाइन कैरियर एंड NVCC ये दोनों ही बाय सी जो कंटेनर्स की मूवमेंट रहती है, ये दोनों ही उसमें काम आती है। बेसिकली कि एग्जांपल के तौर पे समझा जाए तो जैसे हम बाय रोड कोई गुड्स की मूवमेंट करते हैं, जैसे उसको बाय ट्रक करते हैं, लाइक ये सेम ही एक बाय सी ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट कंपनी है दोनों ही हमारे बाय सी कार्गो को मूव करने के लिए। और ये दोनों ही जो इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ है उसके अंडर काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि एक जो है वो कम लॉ फॉलो कर रही है और जो दूसरी है वो ज़्यादा लॉ फॉलो कर रही है। ये दोनों ही सेम लॉ को फॉलो कर रही है। एक एग्जांपल के जैसे हम कोई डीजी कार्गो मूव करते हैं, कोई केमिकल मूव करते हैं, पेंट मूव करते हैं, तो अगर वो पेंट जो है वो क्लास 3 है, अगर उसके MSDS के ऊपर वो क्लास 3 है, मतलब हैजर्ड क्लास जो है उसकी वो 3 है, और जैसे नॉर्मल आप लोग जानते होंगे कि क्लास 3 जो होती है वो फ्लेमेबल होती है, और उसकी कुछ अपनी रिक्वायरमेंट रहती हैं कि वो कैसे उस कार्गो को हैंडल करेंगे। उसके ऊपर बाकायदा स्टिकर अप्लाई किए जाते हैं कि ये जो क्लास 3 का कार्गो है इसके अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर जहाज़ के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले इन लोगों को, जैसे ये कंटेनर्स रहते हैं, इनको इस तरीके से हैंडल किया जाए क्योंकि ये इनके ऊपर आग लगने का ख़तरा रहता है। तो ये ऐसे जो लॉ होते हैं कंटेनर के मूवमेंट के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कट ऑफ्स के लिए, ये सारे के सारे जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ने जो लॉ बनाए हैं उसी के अंडर ये दोनों के दोनों ही काम कर रही होती हैं, और ये दोनों ही सेम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे कार्गो को एक्सपोर्ट करने के लिए दोनों में बिल ऑफ एंट्री पास होती है, दोनों में BL इशू होते हैं, दोनों में DO इशू होते हैं, तो ये दोनों में जो डॉक्यूमेंटेशन रहती है वो सेम रहती है। तो दोस्तों जहाँ तक हमने देखा कि ये दोनों में तकरीबन चीज़ें सेम रहती हैं, तो इधर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो अप्लाई होता है। ओके, अगर दोनों में चीज़ें सेम हैं तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेनलैंड एंड NVCC, तो उन दोनों में फ़र्क क्या है, कि सब कुछ तो उनमें सेम है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन NVCC एंड मेनलैंड कैरियर। देखिए जो मेनलाइन कैरियर होता है, मेनलाइन कैरियर के पास क्या होता है कि खुद के वेसल्स होते हैं, खुद के कंटेनर होते हैं। दूसरी तरफ जो NVCC रहता है, NVCC के पास खुद का वेसल नहीं रहता, लेकिन उसके पास खुद के कंटेनर रहते हैं। और खुद का वेसल होने के बहुत फ़ायदे हैं, और सिर्फ कंटेनर होने के वो भी फ़ायदे हैं। ओके, वही इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेनलाइन कैरियर के पास खुद का वेसल होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। खुद का वेसल होने के फ़ायदे ये हैं कि वो आपको डायरेक्ट सर्विस देती है, उसका जो ट्रांजिट टाइम है वो बहुत कम रहता है NVCC से, क्योंकि उसके पास वेसल उसकी लगी पड़ी रहती हैं, उसको पता है कि उसका वेसल कब आएगा और कब उसको कंटेनर लेके जाएगा। दूसरी तरफ जो NVCC रहती है, NVCC के पास खुद का वेसल तो है नहीं, वो किसी के ऊपर डिपेंड करती है, तो फिर वो वेसल आता है फर्स्ट, वो अपने कंटेनर लोड करता है। इसमें क्या होता है कि NVCC के खुद के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं कि पोर्ट लाइक वेसल के ऊपर इतना जो एरिया वो मेरा है वो रहते हैं उसके, लेकिन फिर भी जो खुद के उसके कंटेनर्स रहते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि जब्बल अली से आपका रोटरडेम में दो कंटेनर जा रहे हैं, तो अगर तो वो जा रहे हैं मेन लाइन से, मेन लाइन क्या करेगा, जब्बल अली से उठाएगा सीधा रोटरडेम छोड़ देगा, पोर्ट टू पोर्ट काम करेगा वो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप NVCC के साथ काम कर रहे हैं तो NVCC क्या करेगा, वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट उसको महंगा पड़ता है, वो डायरेक्ट कभी नहीं जाएगा, वो क्या करेगा टुकड़ों में काम करेगा। वो फर्स्ट आपके कंटेनर
जबल अली से मुंद्रा लेके जाएगा, सस्ते वैसल पे वो मुंद्रा लेके जाएगा, मुंद्रा से आगे कराची लेके जाएगा, कराची से आगे रोटरडैम लेके जाएगा, तो वो टुकड़ों टुकड़ों में काम करेगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप मेन लाइन से आपका जो कार्गो है वो 35 डेज में मूव हो रहा है, ट्रांजिट आ रहा है, वही आपका NVCC है, वो हो सकता है 50 डेज के ऊपर हो, और 50 डे उन्होंने बोला है, तो वो भी आपका श्योर नहीं है कि आपका 50 डे में ही मूव हो जाए, क्योंकि अगर वैसल किधर डिले हो गया उसको आगे वैसल नहीं मिलेगा, और जब तक उसको वैसल नहीं मिलेगा आपके जो कंटेनर हैं जिस पोर्ट के ऊपर पड़े हैं वो उधर ही पड़े रहेंगे आपके कंटेनर तब तक। और NVCC क्या करती हैं, NVCC नॉर्मल सस्ती पड़ती हैं, अगर आप देखोगे मेन लाइन से तो मेन लाइन से NVCC आपको बहुत सस्ती पड़ेंगी, लेकिन NVCC के पास हिडन चार्जेस रहते हैं, क्योंकि NVCC नॉर्मल जो NVCC रहती है उनके पास गिने चुने कंटेनर रहते हैं, किसी के पास 50 कंटेनर रहते हैं, 20 कंटेनर्स रहते हैं, तो उनको पता रहता है कि अपने कंटेनर्स का। फिर वो क्या करते हैं, आपको तीन चीज़ों के ऊपर आपकी अपनी जो आपकी कॉस्ट होती है उसको कवर करते हैं। फर्स्ट वो लाइक जो फ्रेट हो गया वो तो रहेगा, दूसरा जो आपका जो DO चार्जेस हैं, ठीक है, DO इशू करेगा, जो वो DO इशू करने में लाइक NVCC के मुकाबले, सॉरी मेन लाइन के मुकाबले NVCC काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लेती है DO इशू करने के। और दूसरा जो थर्ड वन है, जब आपके कंटेनर्स आप लाइक पुल आउट कर लोगे, आप ऑफलोड करोगे, ऑफलोड करके वापस जमा करवाने जाओगे, फिर वो बोलेंगे सर आपने कंटेनर डैमेज कर दिए हमारे, तो ये डैमेज है तो इसके रिपेयर का इतने चार्जेस आएंगे, तो वो ऐसे करके आपके चार्जेस जो कवर करते। लेकिन मेन लाइन के केस के, मेन लाइन में आपके साथ ये केस नहीं होगा। मेन लाइन में क्या है कि मेन लाइन ने जो चार्जेस बोल दिए, लाइक मास्क लाइन हम एग्जांपल लेते हैं, तो मास्क लाइन ने आपको जो चार्जेस बोल दिए आपके वही चार्जेस आएंगे। ऐसा नहीं है कि मास्क लाइन ने आपको बोला है कि आपका $2,000 फ्रेट आएगा और आगे जाके आपसे वो 2500 ले रहे हैं, 3000 ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और मेन लाइन का क्या है कि मेन लाइन को आप प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हो, आप अपने कंटेनर्स की रियल टाइम लोकेशन चेक कर सकते हो कि आपका कंटेनर किधर पहुंचा है, कब तक आपका POD के ऊपर पहुंच जाएगा कंटेनर पहुंच जाएगा, और जो ट्रांजिट टाइम उन्होंने दिया है वही आपका ट्रांजिट टाइम रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, हालांकि हम नॉर्मली देखते हैं कि 90% जो NVCC रहती हैं वो प्राइस वाइज सस्ती मिलती हैं। हम नॉर्मल एक एग्जांपल नॉर्मल कि जैसे हम लोकल बस में ट्रेवल करते हैं और जो एक अच्छी सर्विस वाली बस होती है उससे मुकाबले लोकल जो हमारी चल रही होती है बस, लॉरी जो चल रही होती है वो सस्ती रेट, टिकट उसकी सस्ती रहती है। लेकिन दोनों में से डिफरेंस आपको पता ही है कि जो जब आप किसी लाइक क्वालिटी की ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो क्या आपको मतलब बेनिफिट मिलते हैं, और जब आप सस्ती में ट्रैवल करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो इधर हमारा तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, विच वन इज़ द बेस्ट फॉर यू, NVCC एंड मेन लाइन कैरियर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो NVCC रहती है वो रेट वाइज थोड़ी सस्ती रहती है मेन लाइन से, क्योंकि मेन लाइन आपको बंडल्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, तो NVCC में इतनी ज़्यादा सर्विसेज आपके पास रहती नहीं है। जैसे ट्रैकिंग सिस्टम कोई अच्छा खासा रहता नहीं है उनका, उनके बंदे को कॉल करके पूछनी पड़ता है सर मेरा कंटेनर आने वाला था कब आएगा, सर मेरा कंटेनर उधर पहुंचने वाला था कब तक पहुंच जाएगा। मेन लाइन में क्या है कि आप उनकी वेबसाइट से जाके डायरेक्ट ट्रैक कर सकते हो। ओके, तो बाकी रहते हैं वो जैसे अगर तो आपने एक्स वर्क सेल कर दिया आपने, आपकी जान छूटी, ठीक है, FOB सेल किया आपकी जान छूट गई, आपको बस उधर कंटेनर पहचाना है आपके आगे लाइक सस्ते रेट में कंटेनर पहुंचाना है उधर, उसके बाद में कंटेनर जमा करवाने के टाइम आपका जो है कंसाइनी है उसी को चार्जेस आएंगे। अगर आपके मतलब ऐसा सोचते हैं, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरा इधर से काम ख़त्म हो गया, लेकिन ये चीज़ अगर आप सोचते हैं तो आप NVCC के साथ जा सकते हैं। अगर आपकी जैसे जो ट्रांजिट टाइम है, जैसे कि आप UAE से मुंद्रा जा रहे हैं, UAE से कराची जा रहे हैं, मालदीव जा रहे हैं, शेशल जा रहे हैं, तो ये जो मतलब एरिया में जा रहे हैं आप, जिनके ऊपर ट्रांजिट टाइम जो 4-5 दिन का है, और आपको पता है कि इधर से जो वैसल जाएगा वो डायरेक्ट ही जाएगा, लेकिन इन इन इतने डिस्टेंस के लिए तो मतलब बीच में कोई दूसरा वैसल नहीं, वो नहीं डालेंगे, तो इनके लिए आप NVCC यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेन लाइन के मुकाबले आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा ये। अगर आप लगे आपका नज़दीक जा रहे हैं
कंट्री टू कंट्री नज़दीक जा रहे हैं तो आप ये यूज़ करो, लेकिन अगर दूसरे कॉन्टिनेंटल में जा रहा है जैसे यूरोप में जा रहा है, अमेरिकन सेक्टर में जा रहा है, तो आप मेन लाइन यूज़ करो। और दूसरा है कि आपका कार्गो किस टाइप का है। अगर तो आपका कार्गो जो है एक्सपेंसिव है, लाइक आपकी जो इनवॉइस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बनती है, तो आप पहले से ही इतना स्पेंड कर रहे हो तो आप NVCC के साथ मत जाओ, फिर आप मेन लाइन कैरियर के साथ जाओ। क्योंकि मेन लाइन कैरियर के साथ जब आप जाओगे ना, आपका हेडिक बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा हेडिक जब आप मेन लाइन कैरियर के साथ जाओगे।